नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। हजारा ग्रंथ के राजकीय जूनियर हाई स्कूल की प्रधान अध्यापिका भ्रष्टाचारी और धोखाधड़ी को लेकर विवादों में आ गई हैं। स्कूल के ही अध्यक्ष ने प्रधान अध्यापिका पर भ्रष्टाचारी धोखाधड़ी से सरकार के धन को गबन करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पूरा मामला ब्लॉक बहादराबाद के हजारा ग्रंथ गांव के राजकीय जूनियर हाई स्कूल में चल रही भ्रष्टाचारी और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार स्कूल के प्रधान अध्यापिका ने स्कूल के अध्यक्ष से 8,000 के चेक पर साइन कराकर धोखाधड़ी से 80,000 का पेमेंट बैंक से रिलीज करा लिया। मामला बाद में स्कूल के अध्यक्ष को पता चलने के बाद प्रकाश में आया है कि जिस चेक पर अध्यक्ष ने सिग्नेचर कर 8,000 अंकित कर प्रधान अध्यापिका को सौंपा था, वही चेक बैंक पहुंचते पहुंचते 80,000 रुपए में कैसे तब्दील हो गया। स्कूल के अध्यक्ष अबरार अली ने इस संबंध में प्रधान अध्यापिका के खिलाफ थाना सिडकुल में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। ऐसा हुआ, राज के जूनियर हाई स्कूल जो हजारा ग्रंट में है, मंजूरानी वहाँ पे प्रिंसिपल है, मैं वहाँ पे अध्यक्ष हूँ। मेरे से उसने चेक साइन कराया 8,000 रुपये का, और उसने 8,000 रुपये के 80,000 रुपये भर के एक फरीद नाम का बंदा है जिससे हमने बिल्डिंग बनवाई है, उसे ले जाके उसने वो 80,000 रुपये निकाल लिए। कोरोना महामारी में लोगों की जान बचाने और हरिद्वार पुलिस का मिशन हौसला के तहत क्षेत्रीय लोगों की मदद करने में व्यस्त रहने से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अधिकारियों की व्यस्तता का फायदा उठाकर बेखौफ होकर थाना भादराबाद की चौकी शांतर शाह, वन विभाग की रुड़की रेंज क्षेत्र में पड़ने वाली रत्मऊ नदी में रात के समय धड़ल्ले से बेखौफ होकर ये खनन माफिया अवैध रूप से खनन करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन कोई भी नियंत्रक विभाग इन खनन माफियाओं पर लगाम नहीं लगा सका। आखिर हुआ ये कि पत्रकारिता पर समाज की समस्याओं के अलावा अवैध खनन माफियाओं की कार्यशैली को भी प्रसारित कर शासन प्रशासन को अवगत कराने का जिम्मा बढ़ गया है, जिसमें निष्पक्ष कलम के सिपाही क्षेत्र में सक्रिय हैं। हालांकि कई बार थाना अध्यक्ष भाद्रवास संजीव थपलियाल ने अवैध खनन और रोड पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई कर अंकुश लगाने का काम किया है। पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों को जल्द ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का लाभ मिलने जा रहा है। दरअसल यमकेश्वर क्षेत्र में कोरोना से पीड़ित मरीजों की मदद के लिए सामाजिक संस्थाओं ने भी हाथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। विधायक ऋतु खंडूरी के आग्रह पर सत्वा योगा वेलफेयर और खुशी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने यमकेश्वर क्षेत्र को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का निर्णय लिया है, जिसमें से 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यमकेश्वर के SDM मनीष सिंह और प्रतिनिधि अश्वनी गुप्ता को सौंप दिए हैं। 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे। हम यहाँ पे आज लक्ष्मण झूला स्थानीय हॉस्पिटल में है, आज हम यहाँ पे 4 कंसंट्रेटर लाए हैं पूरे क्षेत्र में। हम ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल अथॉरिटीज से मिलके, लोकल लोगों के साथ मिलके, तो 15 कंसंट्रेटर हम अलग अलग इंटीरियर विलेजेस में देंगे, और असेंशियल फूड सप्लाई वो हम दे ही रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से, और वो हम कंटिन्यू देते रहेंगे। आज भी इसके बाद हम यहाँ पे कंसंट्रेटर देने के बाद, दवाई एसेंशियल मेडिकल सप्लाई देने के बाद, अब हम जा रहे हैं लोकल लोगों को जहाँ एसेंशियल फूड सप्लाई डोनेट करने। हम बहुत ही आभारी हैं सब लोगों का सपोर्ट, एंड वी कैन फाइट दिस टुगेदर। थैंक यू। लालकुआ के विधायक नवीन चंद्र दुमका और उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह की पहल पर आज राजकीय इंटर कॉलेज में 18 साल से 45 साल के युवाओं को लगाए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ हुआ। वहीं वैक्सीनेशन केंद्र का विधायक नवीन दुमका और उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर लालकुआ राजकीय इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें प्रतिदिन 200 युवाओं का टीकाकरण किया जाएगा। इंटर कॉलेज है लालकुआ क्षेत्र के लिए, इसको बूथ बनाया गया है 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए, और जैसे ही जिले को वैक्सीन प्राप्त हुई है यहाँ पे भी हमें स्लॉट मिल चुका है, और इसमें प्रतिदिन 200 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जो स्लॉट इनका बुक हो जा रहा है। तो अभी तक हमारा 30 तक का स्लॉट ऑलरेडी बुक इसमें हो चुका है, 30 के बाद फिर से ये साइट खुलेगी और लोग अपना फिर से रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो प्रयास यही है कि लोगों को त्वरित इसमें वैक्सीनेशन की सुविधा मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपनी केंद्र सरकार का, और यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हमारे बंसी भगत जी का, उनका धन्यवाद देने चाहूँगा कि उन्हें लालकुआ में एक वैक्सीनेशन सेंटर 18 से 45 आयु वर्ग के लिए दिया। मैं उन सब नौजवान साथियों को शुभकामना भी दूंगा जिन्होंने आज पहले दिन वैक्सीन लगवाई। सरकार का प्रयास है, अभी विधानसभा स्तर पर एक स्वीकृत हुआ है, जो
व्यवस्थाएं बनते जाएंगे, इसका विकेंद्रीकरण करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कोविड वैश्विक महामारी के प्रकोप की वजह से आज अपना जन्मदिन सादगी पूर्वक मनाया। विधानसभा अध्यक्ष ने सोमेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। श्री अग्रवाल ने भजनगढ़ स्थित कुष्ठ रोग आश्रम में पहुंचकर कुष्ठ रोगियों को फल, राशन सामग्री, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। इस दौरान अग्रवाल ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधे भी रोहित किए। उन्होंने कोरोना काल की महामारी के चलते सादगी के साथ पूजा की और गरीबों को लाभ पहुंचाने का अवसर भी मिला। जिस प्रकार से मैं हर वर्ष अपने जन्मदिन पे इस जगह तो मैं ज़रूरी आता हूं, और क्योंकि ये वो जगह है जहां पे हमारे बड़े बुजुर्ग यहां पे रहते हैं। अभी मैं पूछ रहा था, एक माता हमारी लगभग 85-90 साल की है, अब उनका आशीर्वाद लेने आता हूँ। ज़रूर उनके प्रति जो मेरी भावना है वो मैं हर बार, चाहे मेरा जन्मदिन हो चाहे मेरे बेटे का जन्मदिन हो, तो आपके पास कुछ छोटा सा उपहार लेके मैं आता हूँ, उनके साथ मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ। और एक वृक्षारोपण का भी जो मेरा संदेश है हमेशा के लिए, वो भी हमें करता हूँ। लालकुआ में बीजेपी नेताओं ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और पवन चौहान ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। टीकाकरण करा रहे लोगों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सुरक्षा कर्मियों का, सभी लोगों का विशेष ख्याल रखा जाएगा ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने वैक्सीन सेंटर में पेयजल तथा बिस्कुट इत्यादि की व्यवस्था भी कराई गई। इसके अलावा उन्होंने ग्लव्स, मास्क आदि भी उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। भारतीय जनता पार्टी, चाहे भारत की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, आज तक बहुत बड़ा नुकसान हमारा कार्यकर्ता, चूंकि जनता के बीच में है, सबसे ज्यादा मंत्री हमारे मरे हैं, सांसद हमारे मरे हैं, कार्यकर्ता हमारे मरे हैं, क्योंकि वो जनता के बीच में गए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं बेचारे चपेट में आए हैं, और बड़ा नुकसान हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण संगठन ने उठाया है। तो लेकिन फिर भी हमने तय रखा, हमारे नेतृत्व का निर्देश है कि जनता की सेवा में सबको भाई सबके सहयोग से ही तो सब कुछ ठीक हो पाएगा। भारत सरकार एवं हमारी राज्य सरकार दोनों ही लगातार सब लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन उसका प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं इस देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ से ऊपर है, आबादी के कारण भी कई बार इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कराने पर भी लगता है कि वैक्सीनेशन कम हो रहा है। निश्चित तौर पर हमें लगता है इसकी स्पीड और बढ़नी चाहिए। आज हम लगभग 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने के आसपास पहुंचे हैं, जिसे कह सकते हैं जहां अमेरिका 24-25 करोड़ में है, केवल 33 करोड़ का देश, भारत 20 करोड़ में वहां तक पहुंच गया है। वैक्सीनेशन की उपलब्धता पर देश की जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से निश्चित तौर पर थोड़ा कम दिख रहा है। कोविड महामारी में विपक्ष द्वारा केंद्र और राज्य सरकार पर किए जा रहे हमले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं कार्यालय में मौन व्रत रखते हुए कहा कि इस महामारी की घड़ी में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस राज्य और केंद्र सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाकर उसको बदनाम करने में जुटी हुई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के लोग सेवा भाव में लगे हुए हैं, ऊपर से कांग्रेस तुच्छ राजनीति कर देश के साथ साथ बीजेपी को बदनाम करने में लगी हुई है। बीजेपी के लोग धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं, केवल महामारी पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ही सद्बुद्धि के लिए आज उन्होंने मौन व्रत रखा है। आप सब लोग भी जानते हैं, पूरा देश आज एक महामारी से जूझ रहा है, और उसमें ये कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, ये आपदाओं का अवसर बनाते हुए गिद्ध राजनीति करने में चली हुई है, जो बेहद शर्मनाक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहा है कि वो सेवा का कार्य करें, जनता को इस पीड़ादायी स्थिति से उभारने का काम करें। वहीं कांग्रेस इस प्रदेश में, इस देश में लगातार देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है, देश को पीछे ले आने का काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कर देश की छवि खराब करने का काम कर रही है। हल्द्वानी जेल से 126 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया है। बता दें, जेलर संजीव ने बताया कि शासन के द्वारा 186 विचाराधीन बंदियों को छोड़ा जाना है, जिसमें से 21 मई को 7 कैदी, 22 मई को 14 और 23 मई को 58 कैदियों और 24 मई को 7 कैदियों को रिहा किया गया। हल्द्वानी जेल में अभी तक 1700 से ज्यादा कैदी बंद है। वहीं शासन ने जिनकी सजा 7 साल से कम है, उन कैदियों को रिहा किया गया है, और शासन द्वारा कुल 386 कैदियों को रिहा किया जाना है। आदेश मिलने के बाद लगातार उन्हें रिहा किया जा रहा है।
हाईपावर कमेटी से हमें 386 बंदियों का, जिसमें सजा वाले भी हैं और अंडर ट्रायल भी हैं, उनका आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें से 126 आज की डेट तक छूट चुके हैं और 7 आज छूटने हैं अभी। उनको SSP महोदय द्वारा गार्ड उपलब्ध कराई जा रही है और उनके घर तक छोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।